కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ సంయుక్త కార్యదర్శి లవ్ అగర్వాల్ మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ చూద్దాం. शायद 15 अप्रैल तक हमारे पास 8.2 लाख केसेस रिपोर्ट होते और उसी के तहत अगर हम लोग जो हमारा लॉकडाउन से पहले की स्थिति है उसमें हमने देखा कि हमारा ग्रोथ रेट ऑफ केसेस करीब हाईएस्ट जो है 28.9% रिकॉर्ड हुआ, तो उसके तहत शायद हमारे 1.2 लाख केसेस 15 अप्रैल तक हम रीच कर पाएंगे. और उसके कंपैरिजन में देखें तो अब हम लॉकडाउन और कंटेनमेंट मेजर्स, जैसे कि इससे पहले भी बताया गया है कि हमारी ट्विन स्ट्रैटेजी है, एक तरफ हम सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन को प्रमोट करें और दूसरी तरफ उसके साथ ही हम कंटेनमेंट मेजर्स पे भी अपना काम करें. तो उन दोनों मेजर्स को जब हमने 25 मार्च से लेना शुरू किया है तो हम लोगों ने देखा है कि केसेस में काफी कमी महसूस की गई है. तो अगर आप आज के इस एनालिसिस को एक्स्ट्रापोलेट करके समझें तो आज जब हमारे पास 7,447 केसेज हैं तो शायद लॉकडाउन नहीं होता और हम उसी रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ केसेज से जूझ रहे होते तो हमारे शायद 45,000 केसेस हुए होते. और इसी तरह से अगर हम कोई भी मेजर ना लेते तो शायद हम 2 लाख केसेस आज इस टाइम हम लोग ऑब्जर्व कर चुके होते. तो यह स्टडी जस्ट मैं आप लोगों की दृष्टि में इसलिए लाना चाहूंगा कि लॉकडाउन और कंटेनमेंट मेजर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं ताकि हम इस बैटल से निपट सकें, लड़ सकें. इसके साथ ही मैं हमेशा आप लोगों की दृष्टि में लाता रहा हूं कि जो मेजर एक्शन है वो फील्ड पे हमारे सेनानी लड़ रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर फ्रंटलाइन वर्कर्स इस बैटल को, हर तरह के रिस्क को, हर तरह के इन्फेक्शन के खतरे को भी होते हुए भी आज उस लड़ाई को लड़ रहे हैं. उससे संबंधित एक आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूंगा कि जो हमारा फर्स्ट क्लस्टर आया था वह आगरा में आया था और उस क्लस्टर पर कैसे जिला एडमिनिस्ट्रेशन, कैसे स्टेट गवर्नमेंट और कैसे फील्ड साइपर हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स ने मिलकर काम किया. तो अगर आप देखें तो उसमें आप देखेंगे कि ओवरऑल जो हमारा पूरा एक्शन, हमारी पूरी अप्रोच हमेशा से रही है कि हम एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट करें. हमने उसमें अपने एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि हमारा स्मार्ट सिटी का कंट्रोल रूम था उसको इस्तेमाल किया. हमारा फोकस रहा एक्टिव कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पर, आइसोलेशन ऑफ पेशेंट्स पर, और हमने साथ में प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व करते हुए मेडिकल अपनी जो कैपेसिटी उसको बढ़ाया. इसके साथ ही जब हम ये कार्य कर रहे हैं तो किसी भी तरीके से हमारे फील्ड पर हमारे वल्नरेबल सेक्शन के लोगों को दिक्कत ना हो उसके लिए भी हमने फूड और सिविल सप्लाईज फॉर नीडी उस पर काम किया, इसेंशियल सप्लाई चेन को मेंटेन किया. और यह सब कार्य करते हुए कैसे हमें सिटीजन को इन्वॉल्व करना है यह भी एक हमारे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा था जिस पर जिला एडमिनिस्ट्रेशन ने काम किया. इससे पहले भी आप लोगों की नॉलेज में आता रहा है कि अगर कोई भी एक केस पाते हैं तो हम उस केस की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करते हैं और उस कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के भाग में हम पूरा वेरीफाई करते हैं वे केस कहां कहां गया. तो जैसे कि जिला एडमिनिस्ट्रेशन ने जब ये पहला केस उनकी दृष्टि में आया 25 फरवरी में तो उन्होंने उस पूरे केस की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की कि वह दिल्ली कब पहुंचे, दिल्ली से आगरा कब गए, आगरा में वो अपने घर पर रहे या अपनी फैक्ट्री में रहे, उसके अलावा किस किस रेस्तरां में गए, उस रेस्तरां में किससे इंटरेक्ट किया, तो वह एक हमारा कॉन्टैक्ट बनता है. उसके तहत जिला एडमिनिस्ट्रेशन ने एपिसेंटर और हॉटस्पॉट का आइडेंटिफिकेशन किया. उसके बाद हर बार हम आप लोगों की दृष्टि में रहे लाते रहे हैं कि हमारा एक क्लस्टर कंटेनमेंट प्लान, हमारा एक आउटब्रेक कंटेनमेंट प्लान होता है जिसके तहत डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारी जो सेंट्रल टीम है उसके साथ कोऑर्डिनेट करते हुए एपिसेंटर को आइडेंटिफाई किया. एपिसेंटर को मैप पे आइडेंटिफाई करके कितने पर्टिकुलर एरिया में उस पर्टिकुलर पॉजिटिव केस का इंपैक्ट रहा उसको मैप पर डिलीनेट किया गया. डिलीनेट करने के बाद उन्होंने स्पेशल टीम्स बनाई. तो जैसे उन्होंने 3 किलोमीटर के एरिया को उन्होंने कंटेनमेंट जोन माना, 5 किलोमीटर के एरिया को उन्होंने उसके बफर जोन के तहत मानते हुए उसके अंदर जितने भी हमारे अर्बन परमानेंट प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं उनको उन्होंने यूटिलाइज किया. साथ में हर पर्टिकुलर एरिया का उन्होंने एक माइक्रो प्लान बनाया. 1,248 स्पेशल टीम्स बनाई गई जिसमें कि नगर निगम और हेल्थ के स्टाफ ने मिल मिलकर जाकर घर घर पर सर्वे किया. सर्वे करके उन्होंने पूरे जितने भी पॉपुलेशन थी करीब 9.3 लाख लोगों का उन्होंने पूरा ऑब्जर्वेशन किया, सर्वे किया. और उसके बाद उसमें उन्होंने जब हाउस टू हाउस सर्वे किया तो 2,500 लोगों को ऐसा पाया गया जिनको कफ, कोल्ड या फीवर के सिम्टम्स थे और जिसके तहत उन्होंने फिर उनका सैंपल बेस्ड ऑन सैंपल क्राइटेरिया उस तरह से करके मॉनिटर किया. आज जब हम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं तो कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के पार्ट में उन्होंने अपने आगरा स्मार्ट सिटी के कंट्रोल रूम का इस्तेमाल किया जिसको उन्होंने एक वॉर रूम के रूप में कन्वर्ट किया. सेंट्रल हेल्पलाइंस एस्टैब्लिश की गई, मल्टी फंक्शनल डिस्ट्रिक्ट टीम्स बनाई गई जिन्होंने पर्टिकुलर हेल्थ के अलावा डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स पर एक्ट किया. साथ ही डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन सब लोगों ने मिलकर लॉकडाउन और क्लस्टरिंग के ऊपर भी काम किया. जब हम यह काम कर रहे थे तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पर
कैसे आइसोलेशन फैसिलिटीज और कैसे मेडिकल फैसिलिटीज और क्लस्टर कंटेनमेंट में काम हो उस पर पूरा फोकस किया गया, जिसके तहत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एक हमारा मेजर कॉम्पोनेंट रहा। साथ में हमने क्रिटिकल हॉटस्पॉट्स और क्लस्टर्स को आइडेंटिफाई किया और जितने भी क्लस्टर्स थे उनको, जैसे कि आप यहां देख भी रहे हैं, उनको एक्टिव सर्वे और कंटेनमेंट के थ्रू उन्होंने मैनेज किया। While all these efforts were going on, distribution chain management को मैनेज करना भी उतना ही बड़ा एक चैलेंज था, तो जिसके तहत उन्होंने लोकल प्रोवाइडर्स ऑफ फूड और मेडिकल सप्लाईज को आइडेंटिफाई किया और डिस्ट्रीब्यूशन चेन को डोर डिलीवरी के लिए उन्होंने कोऑर्डिनेट कराया। साथ ही इसेंशियल कॉमोडिटीज को मूवमेंट में कोई दिक्कत ना आए उसके लिए उन्होंने ई फास्ट फैसिलिटी का भी ऑर्गेनाइजेशन किया गया। इसके साथ ही वाइल ये सारे एफर्ट्स चल रहे थे, तो कैसे हमारा जो एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर है, एनिमल्स एंड काउज है, उनका फूड डिस्ट्रीब्यूशन का कोऑर्डिनेशन, हमारे वल्नरेबल सेक्शन जो होमलेस एंड नीडी हैं, उनका खाने से रिलेटेड और उनके रहने से रिलेटेड कोऑर्डिनेट करना, ई कॉमर्स को प्रमोट करना ताकि उसके द्वारा हम डोर डिलीवरी ले सकें। इसको करते हुए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए एक सेल्फ रजिस्ट्री प्लेटफॉर्म बनाया गया, एक मोबाइल ऐप लॉन्च की गई जिसके थ्रू वह अपना रिस्क डेफिनेशन पा सकते थे, वह अपनी डिटेल एंटर कर सकते हैं। जैसे मैंने इससे पहले आपको आरोग्य सेतु के बारे में बताया है, तो उसके थ्रू वो हेल्पलाइन के थ्रू बात कर सकते हैं और साथ ही जितने भी सिटीजन के रेस्पॉन्स आए उनको क्लासिफाई किया गया मीडियम और हाई रिस्क में, और जो भी मीडियम और हाई रिस्क केसेस पाए गए उनको आउटबाउंड कॉल के द्वारा मॉनिटर भी किया गया। यह सारा कार्य करते हुए आज डिस्ट्रिक्ट में जब टोटल हमारे 92 केस आए, 92 केसेज आए, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि 5 केसेज है फुली रिकवर्ड, 87 केसेस आज भी हॉस्पिटल्स में अंडर वॉच हैं और खुशी की बात यह है कि उनमें से कोई भी केस क्रिटिकल नहीं है। इस पूरे कार्य को करते हुए जिले ने 38 एपिसेंटर आइडेंटिफाई किए थे, जिसमें से 10 एपिसेंटर में काम करते हुए उनको पूरी तरह से क्लोज भी कर दिया गया, जहां पर कि कोई पॉजिटिव केस नहीं पाया गया है, कोई हाई रिस्क केस नहीं पाया गया है। यह पूरा एफर्ट करते समय पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू उन्होंने 566 बेड्स का पेड क्वारंटाइन सेंटर्स बनाए। इसी तरीके से 3060 इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन सेंटर्स फॉर पीपल टू स्टे, उसको फ्री सेंटर्स बनाए गए, और साथ ही जो हमारा मेडिकल स्टाफ है वह अपने हॉस्पिटल के पास ही काम कर सके तो उनको भी उन्होंने ऑफिशियल क्वारंटाइन सेंटर्स बना के हॉस्पिटल्स के पास रखकर उसके द्वारा सर्विसेज प्रोवाइड कराई हैं। आज यह सब मैं आपकी दृष्टि में इसलिए लाना चाहता हूं क्योंकि हमारा फील्ड वर्कर पिछले 2.5 महीने से हर तरीके से इस महामारी से जूझ रहा है। उनका प्रोत्साहन बढ़ाना बहुत जरूरी है, उनका सपोर्ट लेके आगे बढ़ना हमारे लिए बहुत जरूरी है, और मैं अंत में ही कहना चाहूंगा सोशल वैक्सीन यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग पर हमें फोकस करना है। हमें पूरी कोशिश ये करनी है कि हम भारत की तरफ से दुनिया के लिए एक अच्छी एग्जाम्पल साबित करें कि जब हर तरीके से दुनिया जूझ रही थी तो भारत ने एक सक्सेस क्रिएट करके दिखाया कि हम लोगों ने कलेक्टिव मिलकर इस महामारी से लड़ाई में जीता। धन्यवाद। धन्यवाद। मैं 2 मंत्रालयों की अतिरिक्त जानकारी आपके सामने रखूंगा। डिस्पाइट लॉकडाउन there has been a more than 11% increase in area coverage under summer